जी हाँ, अगर आपकी बीवी भी है आपसे परेशान, तो आप बस लो छोटे छोटे कटे हुए चिकन और उनमें डालो हल्दी, नमक, नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से मिला दो। फिर एक पैन में डालो थोड़े से खड़े मसाले और उनपे सीधा ही डाल दो नमक। नमक के साथ मसालों को भून कर इसको मिक्सी में डालो और डालो काफी सारा लाल मिर्च का पाउडर। 2 चम्मच मसाला एक कटोरी में निकाल कर सीधा ही आप डालो इस मसाले में भर के लहसुन और इसका एक सूखा पेस्ट बना लो। अब अगर एक पैन में आप यहाँ पर थोड़ा सा तेल लेके उसमें प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लो और फिर इसमें वही मैरिनेटेड चिकन डाल के थोड़ी देर भून के इसमें ढक्कन लगा दो तो चिकन अपने आप ही सारा पानी छोड़ देता है। ये देखो, इसी चिकन के ऊपर वही मिक्सी वाला मसाला डालो और चिकन को थोड़ी देर पका लो तो सारा पानी गायब हो जाता है। अब एंड में डालो कड़ी पत्ता, हरी मिर्चे और वो 1 चम्मच मसाला जो अलग से निकाला था। धनिया के बाद डालो नींबू और फिर आपकी ही नहीं दूसरों की बीवी भी हो जाएगी इम्प्रेस मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ही जूसी और टेस्टी बनता है ये चिकन रोस्ट।